हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट रेप लॉ इन इंडिया, जो बात करता है सेक्शन 375 आईपीसी एंड ऑनवर्ड्स, और साथ ही डिस्कस करेंगे इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो एक बेल ऑर्डर है इन अछूत कुमार जो अपीलेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा जो रिस्पोंडेंट है। हमको यहाँ पे ये बात समझ लेनी है पहले कि किसी भी चीज को पढ़ने के साथ अगर आप एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ लेंगे उसका, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए हम इस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि एक बेल ऑर्डर है इस मामले में, जहां पे एक लड़की ने एक लड़के पे आरोप लगाया कि उसने उसका रेप किया है, पर दोनों साथ में 4 साल से रिलेशनशिप में थे। यहां पे वो लव रिलेशनशिप में थे और अनमैरिड थे। यहां पे लड़की ने आरोप लगाया है कि इसने मेरा मिसकैरेज भी करवाया 2 बार और साथ ही मेरा रेप भी किया है। और क्यों ये बात बोली जा रही है? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था इस बात का कि वो उसे शादी करेगा, इस बारे में ये बात बोली जा रही है। तो देखिए, जनरली बेल ऑर्डर बहुत छोटा होता है, 12 पन्ने 15 पन्ने का, और यहाँ पे कोर्ट के पास कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं होती है बहुत दूर तक। यहाँ पे कोर्ट को ये देखना होता है केवल कि प्राइमा फेसी कोर्ट के सामने जो प्रत्यक्ष चीजें पड़ी हुई हैं, क्या उसके हिसाब से बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर डाउट क्रिएट हो रहा है तो बेस्ट है कि आप बेल दे दीजिए, क्योंकि हर मामले में क्या होता है, अक्यूज्ड के फेवर में ही बात जाती है। अगर वो बियॉन्ड डाउट कुछ बात क्लियर नहीं हो पा रही है तो अक्यूज के फेवर में जाएगी। आइए हम समझते हैं इस केस को और समझते हैं रेप लॉ को। यहाँ पे एक 19 साल की लड़की है जिसका नाम है मिस एक्स, क्योंकि नाम जनरली रिवील नहीं किया जाता है इस मामले में, और उसने ये आरोप लगाया है, एक आरोप लगाया है एस सी एस टी एक्ट में, क्योंकि वो एस टी है, अंडर सेक्शन 32V ऑफ एस सी एस टी एक्ट 2015। साथ ही आई पी सी लगाया है 493, 313 एंड 376। 376 जो बात करता है रेप की, उसके बारे में तो बात करेंगे अभी, और बाकियों के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बात क्लियर कर दी गई है उस कंप्लेंट से जो कंप्लेंट की गई है कि यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी है, और इसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, 2 बार प्रेगनेंसी हुई है जिसको मिस कैरेज के द्वारा हटाया गया है, और ये बात को 161 के बयान में जो है उस विक्टिम ने बोला भी है। अब हमको ये समझना है क्या होता है 313 जो लगाया है, वो एक कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वेमेंस कंसेंट, यानी कि अगर मिसकैरेज किया जा रहा है औरत की मर्जी के बिना, तो यहाँ पे उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा एंड फाइन तक हो सकता है। तो एक काफ़ी बड़ा अपराध है, उम्र भर इसमें लग सकती है। दूसरा है 493 जो बात करता है कोहैबिटेशन, यानी कि एक तरह से साथ रहना, सेक्शुअल इंटरकोर्स करना, कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली, यानी कि झूठ का सहारा लेते हुए, इंड्यूसिंग बहका के अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, कि देखो हमारी लॉफुल मैरिज हो चुकी है और हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। पर हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ऐसी कोई फैक्ट है ही नहीं कि उन दोनों में किसी भी तरह की शादी हुई हो, जो गलत हो या सही हो, तो ये बात तो नहीं टिकती है। अब हम देखते हैं कि क्या बोला अक्यूज ने और उसके वकील ने। यहाँ पे अक्यूज के वकील ने यह बोला कि इनका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इन पे पहले कोई भी चार्जेस कभी भी लगे नहीं हुए हैं, ये जवान है और अभी इनका बहुत फ्यूचर बचा हुआ है। साथ ही उन्होंने बोला कि अगर हम मान भी लें कि दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और कैसे भी हुआ, यहाँ पे लड़की जो थी वो मेजर थी, और दूसरी बात कि यहाँ पे 4 साल से उनका रिलेशन चल रहा था, और इसके बाद अगर आप ऐसे आरोप लगा दें तो फिर तो हर मामले में ये काम होने लगेगा। साथ ही ये बोला गया कि ये जो आरोप लगाए कि उसने दवाइयाँ दे के उसका मिसकैरेज करवाया, ये बातें बिल्कुल झूठ। यहाँ पे देखिए, उसने बात बोली कि एलिगेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन, ये झूठ है कि उसने दवाइयां दी, ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे देखिए सरकार के वकील ने क्या बोला कि सबसे पहले विक्टिम ने इस बात को रिकॉर्ड कर रखा है 161 में, दैट बोथ द विक्टिम एंड अक्यूज्ड हैड एक्वेंटेड सिंस लॉन्ग एंड दे वर हैविंग इंटीमेट रिलेशन। तो यहां पे उसने खुद ये कबूल लिया कि कई टाइम से ये लोग साथ में रह रहे थे और इनमें इंटीमेसी हुई, ये सरकार का वकील कह रहा है। लेकिन वो इसमें एक और बात जोड़ रहा है, ये क्योंकि इसलिए साथ में रह रहे थे क्योंकि लड़के ने शादी का बहाना दिया था, और दूसरी बात कि लड़की की इनोसेंस का फायदा उठाते हुए उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया और कोर्स किया गया, यानी कि दबाव डाला गया कि तुम दवाइयां ले लो। यहां पे आप देखिए, खुद दवाइयां देना और फोर्स करना, तो यहां पे ये केस ऑलरेडी कमजोर करता जा रहा है अपना इस मामले में कि हमने फोर्स किया उसको दवाई देने के लिए, यानी कि खुद से नहीं दी। तो यहां पे एक बेल का ग्राउंड अपने आप दिखता हुआ मिल रहा है कि उस लड़के ने वो दवाई खुद नहीं दी, तो ये मामला एक तरफ से ढीला ही पड़ गया। अभी रेप की बात अगर लेकिन होनी है, और दूसरी बात ये कहा कि प्राइमा फेसी इन चीज़ों से दिखता है कि उस लड़की को इंड्यूस किया गया, उस लड़की को बहकाया गया शादी के लिए, और उसके बाद ही इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया,
और फिर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाया। यहां पे एक और बात देखने की जरूरी है कि यहां पे जज ने इस बारे में क्या बोला कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस महसूस होते हैं अभी जो मेरे सामने रिपोर्ट आई है उससे यह महसूस होता है इवन द फैक्टम ऑफ साइन या सिम्टम ऑफ रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है कि रिसेंटली कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो या जो मिसकंसीव हुआ हो ऐसा नहीं हुआ कि, और उनका इस रिपोर्ट से यह मानना था कि इस बात से कोई बात ढंग से साबित नहीं हो पा रही है, यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ था और ये भी नहीं कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स रिसेंटली हुआ था। ना तो इस बात से ये बात की क्लैरिटी हो रही है कि क्या कभी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी या कभी हुई थी। तो यानी कि कुछ रिपोर्ट जो है ये पूरी तरह कंप्लीट रिपोर्ट एक नहीं है और इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम विक्टिम के फेवर में नहीं जा पा रहे हैं, कोर्ट का ये कहने का मतलब था। दूसरा, कोर्ट ने इस बात को भी जिक्र किया कि वो लड़की मेजर थी और साउंड माइंड की थी, यानी कि दिमाग मतलब एक दूसरे को समझते हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो फिर ये रेप पे नहीं। यहाँ पे कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स को भी कोर्ट करा हाई कोर्ट के, और सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो उन्होंने पहले बोला वो है जयंती रानी पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कोर्ट ने यह बोला था कि अगर एक फुल ग्रोन अडल्ट लड़की जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है किसी के साथ और बाद में इस बात की प्ली लेती है कि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि मैं मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स में थी कि मेरी शादी इससे हो जाएगी, इस बातों के बहकावे में मैं आ गई थी, तो यहाँ पे वो लड़की के फेवर में नहीं होगा। दूसरी बात, कोर्ट ने जजमेंट और कोर्ट करा जिसमें बात की गई थी सेक्शन 90 की जो बात करता है कंसेंट की। अगर आप देखेंगे सेक्शन को तो बात करता है कंसेंट की और बात करता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स के बारे में। अब समझिए इस बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पे ये बात की गई है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में उतरते हैं बाय फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कोअर्जन तो फिर वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा वॉइडेबल नेचर का, यानी कि वहां पे आप फैक्ट से धोखा खा गए मिसकंसेप्शन। तो यहां पे कोर्ट ने बात बोली कि यहां पे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की बात इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि प्रॉमिस टू मैरी अपने आप में कोई फैक्ट है ही नहीं। जब वो फैक्ट ही नहीं है तो फिर उसका मिसकंसेप्शन कैसे हो सकता है। तो ये बड़ी ही एक इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी बात बोली है और बहुत सही बात बोली है। तीसरी बात, उन्होंने ये बात बोली कि ये बात सही है कि लड़के अगर ऐसा काम करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि जो है हम सब कुछ संभाल लेंगे और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान वो छोड़ के चले जाते हैं तो ये अपने आप में दुखदायी बात तो है, लेकिन यहाँ पर रेप की लॉ लग जाए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कोर्ट ने अगला मामला एक बोला सलेहा खातून का मामला, यहाँ पर कोर्ट ने उल्टा व्यू लिया था बिहार कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात उन्होंने करी और कि अगर किसी लड़के ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि वो शादी करेगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके बाद में होता है तो यहाँ पे लड़की मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की बात कर सकती है और ये फेवर जाएगा लड़की के। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक बात बोली, पर इस बात में फिर और भी केसेस आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को थोड़ा चेंज भी करा और दूसरे केस में ये कहा इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में कि वॉलंटरी कंसेंट डिपेंड्स ऑन फैक्ट ऑफ ईच केस एंड डिपेंड्स ऑन द गर्ल उसकी एजुकेशन उसका स्टेटस। यानी कि हम एक देखिए रेप लॉ जो होती है वहां पे लड़की की बात को सुना जाता है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे प्रिजम्पशन है लड़की की बात को सुनने का। तो यहाँ पे कोर्ट ने बात तो बोली कि हम ये बात तो सही है कि लड़की की बात सुनेंगे पर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसके एजुकेशन का क्या हाल है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, यानी कि उसके दिमाग की स्थिति को भी समझेंगे ताकि हमको ये समझ में आए कि वो असल में फैक्ट से धोखा खाई या नहीं खाई। और साथ ही देखेंगे हम स्टेटस उस लड़के का भी और फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि मामला कैसा बनता है। और कोर्ट ने अगर ये भी कहा इस मामले में कि अगर हमको डाउट क्रिएट होता है तो जनरली ये जाएगा फेवर में लड़के के। जहां पे कोर्ट ने ये बात को उठाया कि आजकल ऐसा मानने में भी आ रहा है कि कुछ लड़कियां सेक्सुअल इंटरकोर्स में उतरती हैं या रिलेशनशिप में उतरती हैं और उसके बाद जब रिलेशनशिप खट्टा पड़ जाता है उसमें खराबी आ जाती है तो फिर ऐसे आरोप लगाती हैं ताकि उस लड़के को भी हैरेसमेंट फील हो जाए जैसे कि उनको फील हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और व्यू सामने आया है इन द केस ऑफ अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जहां पे कोर्ट ने यह बात बोली कि हमको सबसे पहले यह देखना होगा कि जब वो रिलेशनशिप में उतरा तब शादी का क्या उसका मन था, क्या तब वो सच बोल रहा था। अगर वो तब सच बोल रहा था और बाद में उसका मन पलट गया किसी और तारीख पे तो फिर वो रेप नहीं होगा, लेकिन अगर वो शुरुआत से ही मन मना के बैठा था कि मुझे शादी नहीं करनी है लेकिन फिर भी ये बात बोलता रहा कि शादी मैं करूंगा और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो ये हो गया मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स और जब ये बात हो जाएगी तो जाएगा फेवर लड़की के।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद एक और व्यू लिया और वो व्यू पहले वाले व्यू से भी और बेहतर था जो तब प्रमोद पवार के केस में। और कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बोली है जो बहुत ही समझने की जरूरत है आपको, कि यहाँ पे पहले हमको ये समझना होगा कि क्या लड़के ने प्रॉमिस किया था शादी करने का, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उन दोनों के बीच में जिसको ये लड़की कहती है ये रेप है, उस वक्त क्या लड़के के दिमाग में ये चल रहा था कि जो मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही हूं ये केवल इसी प्रॉमिस का नतीजा है कि मैं शादी करूंगा। क्या मतलब हुआ इस बात का कि लड़की के दिमाग में कोई और चीज नहीं चल रही हो उस वक्त, यानी कि ये शादी का रिलेशन की वाली बात और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में अगर डायरेक्ट नेक्सस है तो फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके बारे में एग्जांपल दूं कि अगर हम प्रॉमिस कर लें दो लड़का लड़की कि हम सेक्सुअल कि हम जो है शादी करेंगे, और इसके बाद उन दोनों में लाइफ नॉर्मल चलती रहे और दोनों में रोज सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली बात होती रहे, और ये बात भूल जाए कि हमने शादी का प्रॉमिस किया हुआ है, और फिर इस बारे में हमने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जिसको लड़की कहती है रेप है, तो कोर्ट ये कहेगा कि लड़की की जो बात है वो सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लड़की का दिमाग जो प्रभावित हुआ है वो फीलिंग्स के द्वारा हुआ है, किसी और रीजन के द्वारा हुआ है, ना कि इस प्रॉमिस द्वारा। अगर वो प्रॉमिस से होते हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स में उतरती है तो ही ये रेप होगा। कोर्ट ने एक और बात बोली है इसमें कि जनरली देखा गया कि पिछड़े इलाकों में या जो गरीब इलाके हैं वहां पर लड़कियों के साथ शोषण किया जाता है इस बात को लेके कि पहले हम शादी करेंगे तुमसे, उस बारे में प्रॉमिस करते हैं और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है पर वो शादी नहीं करते हैं, और इससे सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। लेकिन कोर्ट ने इस बारे में पूरा समझा कि सेक्शन 90 जो बात करता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स की, इसको रेप के लॉ में नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि रेप का लॉ अपने आप में सफिशिएंट बात कर रहा है, वहां पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द विल विदाउट द कंसेंट और ये सब बातें। अब हम देखते हैं क्या लिखा है रेप लॉ के अंदर, आइए देखा जाए उसको। रेप लॉ में कहता है कि अगेंस्ट हर विल, यानी कि उसकी विल के अगेंस्ट, या विदाउट द कंसेंट। अब देखिए बंदूक रखने के बाद लड़की अपनी हामी भर सकती है, पर यहां पे वो कंसेंट तो दे रही है पर उसकी इच्छा नहीं है, उसकी विल नहीं है। तो दोनों बातें होनी चाहिए कि उसकी विल के भी अगेंस्ट ना हो और साथ ही उसकी कंसेंट भी हो उसमें। दूसरी बात, ये जो कंसेंट ली गई है ये किसी दबाव में फियर ऑफ डेथ या हर्ट में ना ली गई हो। दूसरी बात, वो ये बिलीव ना करती हो कि मेरा हस्बैंड है। तीसरी बात क्या कहता है कि वो अनसाउंडनेस के द्वारा, या अगर उसने दारू या शराब कुछ ऐसी पी रखी है, उसकी कंसेंट उस द्वारा ना ली गई हो, यानी कि उसकी कंसेंट पूरी तरह फ्री कंसेंट होनी जरूरी है और फ्री विल होनी जरूरी है। दूसरी बात, वो लड़की 18 वर्ष के नीचे ना हो। अगर 18 वर्ष से वो नीचे लड़की होगी तो आप उसकी कंसेंट से करें चाहे विदाउट कंसेंट करें, वो रेप की श्रेणी में आ जाएगा। और तीसरी बात ये बोली गई कि अगर वो लड़की कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती अपने कंसेंट तो भी उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। कि आप अगर ये कहें कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रही थी इसका मतलब हाँ है, कुछ ना बोलना हाँ है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि उसके सामने जो बातें आती हैं इस वक्त उसके हिसाब से उसको बेल दे देनी चाहिए अभी, और इसका इम्पैक्ट आगे इन्वेस्टिगेशन या आगे जो इंक्वायरी ट्रायल होगा उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो अलग बात है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, और इसीलिए अभी के फैक्ट्स के हिसाब से उस लड़के को बेल दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।